शिमला के संजौली उपनगर के बहुचर्चित मस्जिद विवाद के गैरकानूनी ढांचे को गिराने का कार्य शुरू हो चुका है। 11 सितंबर को संजौली में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने 12 सितंबर को कमिश्नर के पास गैरकानूनी ढांचे को स्वयं गिराने की अर्जी दी थी। इसके बाद 5 अक्टूबर को नगर निगम की कमिश्नर कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने के आदेश दिए गए थे। मस्जिद कमेटी को इसे गिराने के लिए 2 महीनों का समय दिया गया था, जिसका काम सोमवार से शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को गिराने की अनुमति मांगी थी और अब वक्फ बोर्ड की ओर से इस संबंध में NOC जारी कर दी गई है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि आज से ही मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने का काम शुरू हो चुका है। संजौली मस्जिद कमेटी ने यह कदम आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए उठाया था और कमेटी अपनी बात पर कायम है। हो सकता है मैं आज ही काम शुरू कर दें छत को निकालने का, क्योंकि मैंने वक्फ बोर्ड से NOC मांगी थी, उन्होंने मुझे NOC लॉक कर दी और शायद अभी लेबर वाले आएंगे सामान लेके तो हम छत खुलवाना शुरू कर देंगे। तो टाइम लगेगा, अभी तो छत ही निकल जाए क्योंकि आगे सर्दी का टाइम है और हम MC कोर्ट से दोबारा परमिशन मांगेंगे। अभी तो 2 महीने का टाइम दिया था क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से ना, आगे ठंड है तो छत निकल जाए तो उसके बाद हम और परमिशन लेंगे उनसे। इससे हम खुद बैन कर रहे हैं क्योंकि खर्चा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि बनाने को तो सब दे देते हैं, हटाने के लिए कोई नहीं देगा, तो हम खर्च खुद ही। अब जब MC कोर्ट ने बोल ही दिया है तो उनके कोर्ट में जाने जाने उनकी अपनी मर्जी है, जा सकते हैं। किसी को कोर्ट में जाने को तो आप किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर ही दिए है तो उसमें उनकी जाए ना जाए, तो हमारे को भी 2 महीने का टाइम दिया है, शुरू कर देंगे।